चिल्लाते हैं कि ये अत्याचार हो रहा है, ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, धोखा हुआ है, हम पर जुल्म हुआ है, हम गरीब हैं, हम परेशान हैं, ये सब चिल्लाते हैं, लेकिन कभी इसका कारण नहीं ढूंढते कि ये हो क्यों रहा है। जब तक तथागत गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्य की समस्या है, उसका कोई ना कोई कारण है, एक या अनेक, और उस कारण का निवारण हो सकता है और उसका एक मार्ग है। जब तक इस रास्ते को नहीं समझेंगे, हमारे दुख और अत्याचार दूर होने वाले नहीं है, क्योंकि जिन महापुरुषों ने आपको इस दुख से निकालने का प्रयास किया, आपने कभी उनका साथ नहीं दिया। बाबा साहब का साथ उस समय हमारे बुजुर्गों ने नहीं दिया, माननीय कांशीराम साहब का साथ हमारे बुजुर्गों ने नहीं दिया, और आज हम लोग भी सही मायने में बहन मायावती जी का साथ नहीं दे पा रहे। हम लोग जिंदे का साथ नहीं देते, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके बाद उनकी मूर्ति बनाकर उनके सामने हाथ जोड़कर चाहते हैं कि बाबा साहब लौट के आओ और हमारे दुखों को दूर करो। मानवर कांशीराम साहब बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके जीवन काल में 30 साल ही 1966 से लेकर 2006 तक लगभग 40 साल उनका साथ नहीं दिया। अगर साथ दे देते तो आज इस देश का पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि बहन कुमारी मायावती जी होती। हम लोग कभी जिंदे का साथ नहीं देते, मरे हुए की पूजा करते हैं, दुकान चलाते हैं उनके नाम पर। हमें जिंदों का साथ देना पड़ेगा, जिंदों को समझना पड़ेगा, तभी आपका भला होगा। मरने के बाद कोई भी वापस नहीं आता साथ देने के लिए, फिर भी वो एक रास्ता छोड़ जाते हैं कि भाई इस रास्ते पर चलना बुद्ध ने कभी नहीं कहा, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करना। उन्होंने ये कहा था कि मैं जो रास्ता बता करके जा रहा हूं इस पर चलना, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चलते, हम सिर्फ और सिर्फ उनकी पूजा करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि हमको ये समझाया गया है पूजा करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं, पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। हाँ भाई बैठ जाओ, हाँ भाई इधर सुनो भाई, अरे इधर सुनो, बैठो घर में बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर बैठ जाओ। मैं जो कुछ भी आपके सामने बातें रख रहा हूं राम कथा के रूप में नहीं, कृष्ण कथा के रूप में नहीं, आपको सुनने के लिए रख रहा हूं। अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारी भी कोई सुनने वाला पैदा नहीं होगा। वो आया, डिस्टर्ब किया और चला गया। नहीं ऐसे जरूर लोगों की जरूरत।
उन लोगों की जरूरत है जो लोग इस मिशन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। राजनीति बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम लोग राजनीति करना शुरू कर देते हैं, राजनीति को जानते नहीं। और जब तक हम राजनीति को जानेंगे नहीं, तब तक हम राजनीति कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आपको इस कार्यक्रम का फायदा होगा। वरना जन कितनी मीटिंग हुई, कितने सम्मेलन हुए, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बात करता है, कोई उठता है, कोई पानी पीता है, कोई यूरिन को जाता है। ये राजनीति का काम नहीं है। राजनीति आपको सीखना पड़ेगा। और राजनीति आपको सिर्फ अकेली बहुजन समाज पार्टी सिखा सकती है। कांग्रेस बीजेपी वाले राजनीति के नाम पे आपका इस्तेमाल करते हैं। 60 साल से कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, बीजेपी ने इस्तेमाल किया, और अब आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। जिनका कोई मतलब नहीं, वे लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग राजनीति नहीं जानते। आपको राजनीति को सीखना पड़ेगा। तो हमारे महापुरुषों ने ये बताया कि हमें अपना पुराना इतिहास याद करना चाहिए। और हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास है कि हमारे पूर्वज कभी इस देश के राजा थे, और आज हम गुलाम हैं। और हमारा लक्ष्य पुनः इस देश का हुक्मरान बनना है, हमें पुनः राजा बनना है। अगर आपने इस लक्ष्य पर काम नहीं किया, तो आप लोग गुलामी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा जो मिला है, ये अंग्रेजों की वजह से मिला है। अगर अंग्रेज नहीं आते इस देश में, तो बाबा साहब कितने पढ़ गए होते, पहले तो पढ़ने का मौका नहीं मिलता उन्हें। और पढ़ भी गए होते, तो इस देश के मनवाली लोग कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं देते। अंग्रेजों की वजह से उनकी ताकत का फायदा उठाकर बाबा साहब ने आपको संविधान में अधिकार दिए। उससे पहले 1932 में आपको अधिकार दिलाए। लेकिन जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी को, उन्होंने अंग्रेजों के दिए हुए अधिकार को छीन लिया। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने हमको पढ़ने का अधिकार दिलाया, हमको नौकरी का अधिकार दिलाया, हमको राजनीति में एमएलए एमपी मिनिस्टर बनने का अधिकार दिलाया। आज जो कुछ भी मिला है, पढ़ लिख कर नौकरियों में जो पहुंचे हैं, राजनीति में एमएलए एमपी मिनिस्टर जो बने हैं, ये कांग्रेस बीजेपी की वजह से नहीं बने, ये किसी भगवान देवी देवता की वजह से नहीं बने। अगर ये बने हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के त्याग के कारण। तो आपको उनको जानना पड़ेगा। बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब क्या करना चाहते थे। लास्ट टाइम पर वे आंखों में आंसू भरकर रोए और उन्होंने कहा कि मुझे यदि आज धोखा दिया है, तो मेरे पढ़े लिखे समाज ने दिया है, जिनके लिए मैं
परेशानी उठाई। मैं ये सोचता था कि ये लोग अपने समाज के लिए कुर्बानी देंगे, लेकिन वे सब के सब अपने परिवार के चक्कर में लग गए, अपनी कोठी कार बंगला बनाने में लग गए, बैंक बैलेंस बनाने में लग गए, अपने ज्ञान की अकड़ में लग गए। इनको समाज का कोई ख्याल नहीं आया। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर इस मिशन को आप आगे भी ना ले जा सको तो इसे पीछे भी मत जाने देना, इसे यही छोड़ देना। लेकिन बाबा का मिशन पीछे चला गया। 1956 से लेकर के 1966 तक 10 साल में बाबा साहब का नाम दब गया। कोई नाम नहीं लेता था। धन्यवाद देते हैं मानवर कांचनाम साहब को कि उन्होंने बाबा साहब को आगे रखकर अपने इस मिशन को आगे बढ़ाया। और आज ये मानवर कांचनाम साहब की देन है कि पूरे देश के अंदर बाबा साहब को अगर किसी ने पुणे याद करने के लिए मजबूर किया तो मानवर कांचनाम साहब। आज उसी रास्ते पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चल रही हैं, लेकिन आज सब लोग सुझाव देना चाहते हैं, सब सुझाव देते हैं, कोई करना नहीं चाहता। अरे सुझाव तुम्हारा, प्लानिंग तुम्हारी, चलेगा कौन? जब प्लानिंग तुम्हारी है तो तुम ही को उस पर चलना पड़ेगा, क्योंकि प्लान आपने बनाई है, दूसरा क्यों चलेगा? हर आदमी अपने अपने प्लान बनाता है, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग वास्तव में इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पीछे से सबक लो। अगर यहां पर जो नंद नगरी में विधानसभा का चुनाव हुआ था, थोड़े से वोटों से हारे थे, उसके बाद एक उपचुनाव हुआ था नंद नगरी में ही पार्षद का, थोड़े से वोटों से हारे थे, उसको किसने हराया था? कांग्रेस ने नहीं हराया, बीजेपी ने नहीं हराया, उन लोगों ने हराया जो लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने हराया। अगर ये जरा भी थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेते तो हम पहले ही पार्षद का चुनाव भी जीतते, एमएलए का जीतते, एमपी का जीतते। लेकिन धन्यवाद देता हूं गोकलपुर के लोगों को कि उन्होंने 2008 में भाई सुरेंद्र कुमार जी को विधायक बना करके भेजा। ये सब बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने ये साबित भी किया कि काम कैसे होता है। विधानसभा में नंबर 1 पर उन्हें पुरस्कार मिला सर्वश्रेष्ठ विधायक का, तो कोई ना कोई खूबी तो होगी। इसलिए अगर आप वास्तव में बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर बाबा साहब के मिशन के बारे में जानना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ें, घर में बड़ी बड़ी लाइब्रेरी सजी हुई है, बाबा साहब के सारे वॉल्यूम रखे रहते हैं, लेकिन सजे हुए होते हैं, पढ़ने का काम नहीं। मत पढ़ो साहित्य का, उनकी एक लाइन पढ़ लो और उस पर अमल कर लो। क्या पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ और बीच के रूप नीचे ने मिलो। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खुल जाता है। एक चाबी हजार तालों को खोल देगी। अलग अलग ताले बनाने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस ताली को हाथ में लेने के लिए, मास्टर चाबी को हाथ में लेने के लिए, वो जानते थे
और कोई भी एक जाति महाजाति हो चाहे जाटव जाति हो चाहे ब्राह्मण जाति हो चाहे कोई सी भी जाति हो वो सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ अंग्रेजों से तीन शेड्यूल बनाए, अनुसूची जैसे एक अनुसूची है इसमें क्रम होता है नंबर एक पे नंबर दो नंबर तीन, ये अनुसूची है। इसी प्रकार उन्होंने शूद्र समाज को जो 6743 जातियों में बटा हुआ समाज था उसको तीन अनुसूचियों में एक माला के अंदर गूंथ कर एक शेड्यूल कास्ट बनाए, यानी कोई अलग उसकी जाति नहीं अनुसूचित जाति, और उसमें 1500 जातियों को एक जगह इकट्ठा किया, धोबी खटी कोरी बाली जाटव चमार अहिरवार इन महार इन सबको एक अनुसूची में 1500 जातियों को जोड़ दिया कि अब ये अलग अलग नामों से नहीं जाने जाएंगे, ये सब के सब अनुसूचित जाति के नाम से जाने जाएंगे। एक जगह बांध दिया 1500 जातियों को। दूसरी अनुसूची में उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स घुमंतु अर्ध घुमंतु आदिवासी जातियों की 750 जातियों को एक दूसरी अनुसूची में एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसको कहा गया अनुसूचित जनजाति, और जो बाकी जातियां बची उनको नाम दिया अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। पिछड़े वर्ग तो ये भी थे, एससी एसटी के लोग भी पिछड़े थे, लेकिन ये कम पिछड़े थे और एससी एसटी के लोग ज्यादा पिछड़े थे, तो एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास तीन जगह बांध दिया और इनको बता दिया कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा हथियार दे दिया है, अगर तुम इकट्ठा होकर उस हथियार को चलाना सीख गए तो तुम एक दिन इस देश के राजा बनोगे। कौन सा हथियार? वो का हथियार। इन मनुवादियों ने हमें क्या अधिकार दिया? मनुवादियों ने हमें एक हथियार दिया, क्या? कि तुम मंत्र पढ़ो, मंत्र से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, मंत्र पढ़ो तुम्हारे दुश्मनों का विनाश हो जाएगा। और हम सब मंत्र पढ़ने पर लगे रहते हैं, सुबह सुबह टीवी चैनलों पर रोज मंत्र सुनाए जाते हैं, ये मंत्र पढ़ोगे ये दुख दूर हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ोगे इससे तुम्हारे दुश्मनों का विनाश हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ोगे इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और मेरा कहना है इस संसार में आज तक कोई ऐसा मंत्र नहीं बना जो किसी की गरीबी दूर कर सके, जो किसी का संहार कर सके, और यदि कोई कहता है तो मैं उसको चैलेंज देता हूं, मैं अपना संहार कराने के लिए लिख के देने को तैयार हूं कि जो सबसे बड़ा विद्वान है जो मंत्र पढ़ना जानता है उसे मेरे सामने लाकर बिठा दो, मैं लिख के दूंगा कि तू मंत्र पढ़ और मेरा नरसंहार कर, मैं कभी तेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने दूंगा। जो अरे इन मंत्रों में अगर ताकत होती संहार करने की तो फिर इस देश को सेना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन मंत्र पढ़ने वालों को ही चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ले जाके बैठा देते कि मंत्र पढ़ो और दुश्मनों का संहार करो। हमको बेकार कहा है। मंत्र क्या है? जो मन के द्वारा काम होता है, मन की सोच, उसे मंत्र कहते हैं। जो तन से काम होता है उसे तंत्र कहते हैं, और जो इस शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है उसे यंत्र कहते हैं। मन, तन और यंत्र, और इन तीनों के ऊपर बाबा साहब ने इनका भाव बैठा दिया लोकतंत्र। बाय द पीपल।
ना बीच में भगवान आएगा ना खुदा आएगा, ना कोई देवी आएगी ना देवता आएगा। जनता ही मालिक होगी, जनता ही मनाएगी, जनता ही बनेगी, जनता के लिए बनेगा। कितनी बड़ी ताकत तुम्हारे हाथ में दी, किस लिए दी? कि इनका बोझ ज्यादा है, ये 100 में से 90 है, तो ये अपना राजा बना लेंगे गरीब लोग। लेकिन आज तक ये सब मंत्रों के चक्कर में तो पड़े हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र की कभी परवाह नहीं करते। और आज इस देश के अंदर ये बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग इस लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं कि ये लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान में परिवर्तन हो जाए, संविधान को नष्ट कर दिया जाए। ये उनका षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन आप लोग जाग नहीं रहे, आप लोग आपस में ये जाकर ये बाली, ये धोबी, ये कटी, ये गोरी, ये बैरवा, ये बेगवार, ये रेगर, बाबा साहब ने सबको एक ही किया। और ये सब के सब हमारी महासभा, जाटन महासभा, बैरवा महासभा, मेघवाल महासभा, बाल्मीक महासभा, ये सब महासभा का झंडा लिए बोल रहे हो। अरे इस जातवाद को तुम बढ़ा रहे हो, तुम मनवादी नहीं बढ़ा रहे, आज तुम बढ़ा रहे हो। और जब तक ये जाति के नाम पर बनने वाली महासभाओं का अंत नहीं होगा, लोकतंत्र के साथ षड्यंत्र चलता रहेगा। अगर इस षड्यंत्र को बचाना है तो इन महासभाओं को खत्म करो और राजनीति में एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी का साथ देना पड़ेगा, तुम्हारा लोकतंत्र वरना गड़बड़ होने वाला है। और चलो ये तो जाति के नाम में, अब महासभा अपने महापुरुषों को भी बांट रहे हैं, उनके नाम पे भी, ये अंबेडकर सेना, ये भीम सेना, ये भीम आर्मी, दलित सेना और दलित पैंथर, पता नहीं लाखों संगठन बना रखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। और पता नहीं ये कहां से निकालिए, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अरे एक बार कहना है जय भीम, यही तो है हमारा, जय 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 भीम नहीं है, सिर्फ अकेला जय भीम है। भीम की जय होनी चाहिए, ये आरएसएस की चाल है, जिन लोगों ने बाबा साहब के नाम को बिगाड़ने का प्रयास किया है, हर जोल के पीछे में से फेर चाल हो जाती है। वह जिसने जैसे बोल दिया वैसे उसके पीछे लगती है, कभी सोचा नहीं। अरे भीम की जय एक बार होती है, जय भीम कितना सरल है। हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये नाम किसने दिए हैं, ये तरह तरह से हमको बहकाने का षड्यंत्र कौन चला रहा है, ये मनवादी लोग, ये आरएसएस के लोग, हम लोगों को हम रास्ते से भटकाना चाहते हैं। इसलिए हमें हर चीज का एकदम आंख बंद करके पालन नहीं करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि क्या इसमें सच्चाई है। पता नहीं कहां से इतना बड़ा संगठन भी दिखाई दे रहा, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी है, एक संगठन भीमा भी कहां से आ गई, क्या हो गया, हमारे सारे नौजवानों को मरवा दिया, जेल में ठुसवा दिया, हाथ पैर कटवा दिए, सिर्फ एक जिसका कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी मूर्ति लगाना, बाबा साहब ने कहा था आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना। बहन जी ने एक को भी नहीं जेल जाने दिया, लेकिन आज पूरे देश के अंदर अंबेडकर भवन, पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जाकर के देखो, बुद्ध विहार देखो, शानदार अंबेडकर स्थल देखो, इतिहास रच दिया है। जब भी आगे 2000 साल बाद जब भी खुदाई होगी तो फिर दोबारा से भगवान बुद्ध और बाबा साहब जमीन में से निकल के आएंगे, इतिहास बना दिया। हम एक एक बुद्ध विहार बनाने में सारी जिंदगी निकाल देते हैं, एक अंबेडकर भवन बनाने में सारी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन
हम लोग जो ताकत है उसको नहीं बनाते हैं। राजनीति बहुत गंदी है, इससे दूर रहो भैया। हर 14 अप्रैल को जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जयंती मनाई जाती है, संचालक बार बार यही कहता है, हाँ भाई आज कोई राजनीति पे नहीं बोलेगा, बाबा साहब के जन्मदिन पे बोलो, बाबा साहब की जीवनी पे बोलो। अरे बाबा साहब ने सारे जीवन पर राजनीति की है, बिना राजनीति का तो कोई उनका दिन बीता नहीं, तो फिर हम कैसे जो है राजनीति को छोड़े। अभी भाई शशि भूषण ने बताया था, जिनका राजा होता है उन्हीं का धर्म फलता फूलता है, जिनका राजा नहीं होता उनका धर्म कभी फलता फूलता नहीं है। इस देश में अगर बौद्धों का शासन था, राजा प्रसेन जी, राजा भीमसा, राजा शत्रु, राजा सम्राट अशोक, अगर ये राजा थे तो बौद्ध धर्म विदेशों में फैला, विदेशों में फैला। और एक भारत में अकेले नहीं, लेकिन जिस दिन हमारा राज खत्म हो गया, बौद्ध धर्म के सारे जितने भी अक्ष वो थे उनके चिन्ह सबको तोड़वा दिया गया, सबको खंडित कर दिया गया, नाम निशान तक नहीं छोड़ा। ऐलान कर दिया पुष्यमित्र सुन ले, जो भी एक भिक्षु का सिर ला कर देगा उसे 1000 दिनार इनाम में दी जाएगी। बाहर गए छोड़ छोड़ कर डर के मारे, और राज जो बचे कुचे थे, राजा सुदंडवा और शंकराचार्य ने द्वारकापुरी से लेकर के दंतपुरी तक, जिसे जगन्नाथपुरी कहते हैं आज, उड़ीसा के अंदर है, दोनों समुद्र के किनारे, द्वारकापुरी भी और दंतपुरी भी, वहां से लेकर वहां तक सारे इन बौद्धों पर जबरदस्ती डंडा चला गया। कहो हम हिंदू हैं, कहो हम हिंदू हैं, कहो हम हिंदू हैं, जबरदस्ती इन पे हिंदू कहा गया। और जब बाप कहता है तो बेटा भी डर के मारे कहता है, और जब बेटा कहता है तो पोता भी कहता है। मैं कहता हूं हम हिंदू नहीं है, हिंदू एक गाली है। खोलो गूगल खोलो, उस पर अर्थ मिल जाएगा तुम्हें। हिंदू का मतलब है काफिर, शैतान, ये हिंदू का मतलब है। क्या तुम हिंदू कहलाना पसंद करोगे? हम जानते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं हम हिंदू हैं। तो हम हिंदू नहीं है, और मैं साबित करता हूं, उठा लो सारे ग्रंथ, सारे वेद, महापुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, अगर तुमको कहीं भी हिंदू शब्द मिल जाए या हिंदू धर्म मिल जाए तो मैं इस राजनीति को छोड़ दूंगा। कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए हिंदू शब्द। रामायण पढ़ो, तुम्हें बौद्ध शब्द मिल जाएगा, बुद्ध शब्द मिल जाएगा, लेकिन हिंदू शब्द रामायण में कहीं नहीं मिलेगा। तो फिर हम हिंदू नहीं है, हम बौद्ध थे, हमको जबरदस्ती मार मार के हिंदू बना दिया। इसलिए और इन्होंने गाय को भी हमारे ऊपर थोप दिया, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। कहते हैं गाय हमारी माता है, और जो कहते हैं मैं उनको जवाब देता हूं कि जानवर कभी हमारी मां नहीं हो सकती। हमारी मां तो वो है जिसने हमें जन्म दिया है, वो हमारी मां है। और यदि वो कहते हैं गाय हमारी मां है, तो फिर उनको बैल को भी तो कुछ कहना चाहिए। बैल को बात को नहीं कहना कहते ये लोग, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। इसलिए जागो जागो जागो, इस राजनीति को समझो। आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों, और साथ में केजरीवाल और राहुल गांधी, ये चारों के चारों झूठे हैं, झूठे। लेकिन आप उनका विश्वास कर लेते हो, आप उनका विश्वास करते हो। हम रोज आपकी गलियों में घूमते हैं, हम पर आपका विश्वास नहीं होता, उनका विश्वास हो जाता है। मोदी जी रोज
टीवी पे देखना, पहले से सारा फिक्स होता है मामला। बुला बुला के कलेक्टर समझा के भेजता है कि मोदी जी जब मन की बात करें तो उनके सामने ये सवाल रखना है, जब रैली हो और मोदी जी पूछे तो ये जवाब देना है। ये पहले से फिक्स है और हम नहीं समझ पाते। मोदी जी कह रहे हैं हमने कितने करोड़ गैस के कनेक्शन महिलाओं को दे दिए, कभी सोचा है तुमने क्यों दे दिए कनेक्शन फ्री में? आपने नहीं सोचा, मैं बता रहा हूं। अगर आपके मन में ये बात फिट हो जाए, सच्ची निकले, तो मानना और मत मानना। दिल्ली के अंदर, चेन्नई के अंदर, बॉम्बे के अंदर, कलकत्ता के अंदर, मेरठ के अंदर, महानगरों के अंदर, ये सब जगह सिलेंडर के द्वारा गैस जाती थी, सिलेंडर के द्वारा। लेकिन आज दिल्ली के अंदर पाइपलाइन बिछ गई, पाइपलाइन बिछ गई, मेरठ में पाइपलाइन बिछ गई, आपके जो है गाजियाबाद में पाइपलाइन बिछी। जितने बड़े बड़े शहर थे तो जिन घरों में सिलेंडर चलते थे वो सिलेंडर तो बेकार हो गए, वो कहां जाएंगे? उन्हें तो रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने इन सिलेंडरों को खपाने के लिए इन गरीबों को फ्री में कनेक्शन दिए कि भाई हम तुम्हें फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं। मैं कहता हूं कनेक्शन नहीं, फ्री में जरा रसोई की गैस दे दो तो हम मानेंगे कि तुमने कुछ किया। सिलेंडर तो तुम्हारे पास फालतू में पड़े हैं, करोड़ों सिलेंडर जो पाइप बिछी वे क्या करेंगे उन सिलेंडरों का? इसलिए इन्होंने ये इनका काम भी सिलेंडर भी काम आ गए और इनका नाम भी हो रहा है। लेकिन हम सोचते नहीं ये हो क्या रहा है। इसलिए आज सोचो, इस संसार में बात हमेशा ताकतवर की मानी जाती है, कमजोर की बात नहीं मानी जाती। जब तक तुम कमजोर रहोगे कोई तुम्हारी सुनने वाला पैदा नहीं होगा। कमजोर और गरीब पिटने के लिए बनाया गया है, मरने के लिए बना है। रेल में देखने जा रही है, किसी भी ट्रेन में दो डिब्बे पीछे जनरल के, दो डिब्बे आगे जनरल के, बीच में एसी के डिब्बे। पीछे से एक्सीडेंट हो तो गरीब मरे, आगे से एक्सीडेंट हो तो गरीब मरे। पीछे से होता ना एक्सीडेंट, बीच में तो कहीं एक्सीडेंट नहीं होगा। पीछे से हुआ तो गरीब मरा, आगे से हुआ तो गरीब मरा, गरीब ही मरते दिखाई देंगे आपको। जो है इन पर ही जुल्म होता है, कमजोर पर हमेशा जुल्म होता है। अगर कमजोर को जुल्म से बचना है तो इस कमजोर को अपनी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी और उसे दूर करना पड़ेगा। कमजोरी की कमजोरी क्या है? खास तौर से अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, अशिक्षा, लालच, दंडे का डर, ये पांच कमजोरी हैं इनकी, गरीबों की जो है, कमजोर लोगों की ये पांच कमजोरियां हैं। इन्हें पढ़ने नहीं दिया हजारों साल, इसलिए ज्ञान नहीं। तो जिसने जैसे फेंका दिया अंधविश्वास में, हनुमान जी हिमालय पर्वत को हाथ को उठा जाए श्रीलंका में जा रखा और तुमने मान लिया। अरे अपनी बुद्धि से तो सोचो, तो पढ़े लिखे नक्शे में लंका इतनी सी है, हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, वो रखा कहां होगा जा के लिए? लंका तो वैसी दबे होगी। हनुमान जी ने सूर्य अपने मुंह में दे दिया, बड़े ताकतवर थे, लाखों गुना बड़ा है सूर्य, जब मुंह में दिया होगा हनुमान जी कहां होंगे? हनुमान चालीसा पढ़ो ताकत आ जाएगी। दूध भी मत खाओ, खाना मत खाओ, हनुमान चालीसा पढ़ते रहो, आ जाएगी ताकत। कैसा बेहतर रखा है सबको। ये अंधविश्वास जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। फिर ऊपर से हम बीड़ी पीते नहीं थे, पत्ता हमसे तुड़वाते हैं, बीड़ी हमसे बनवाते हैं, गोदाम में बंडल बनकर के तैयार हो जाता है और पीने को भी हमारे पास आ जाती है। पैसा सारा बनिए के ताजो
पीने से, सिगरेट पीने से टीबी हो जाती है, गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है, आपके शराब पीने से किडनी फेल हो जाती है, सब जानते हैं। लेकिन मानता है कोई? डरा चलता रहता है। लालच, यहां से बस में बैठ के चलो, कोई सामान बेचने वाला आदमी चलता है बस की छत में, कई बार हाथ मारता है तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए। सुनो भाई सुनो, सुनो भाई सुनो, देखो ये पेन, ये पेन इसकी कीमत ₹5, ₹5, ₹5, तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब वो दूसरी बार शुरू करता है इस पेन के साथ, ये दूसरा पेन फ्री, 1 buy get 2, एक खरीदो दो ले जाओ, फ्री के नाम पे मुंह में पानी आ गया। भैया फ्री फ्री, मुझे भी देना, मुझे भी देना, मुझे भी देना, और जेब में से ₹5 निकाले, उसके हाथ में आए और ₹2 खरीद लिए। लेकिन खरीदने से पहले ये नहीं सोचा कि इन दोनों की कीमत सिर्फ ₹2 है, तुम्हारी जेब से ₹3 ज्यादा लग गया। कैसे? फ्री का लालच दिखा करके, फ्री में मिल रहा, फ्री में। पता कब चला? जब वो अपना सामान बेच के कूद के साथ गया और तुमने पेन खोला और कागज पे घिसना शुरू किया, घिसते घिसते कागज फट गया और पेन नहीं चला, धोखा दे गया। आपकी आंख बाद में खुलती है जब रिजल्ट आता है, जब तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, जब आंखें खुलती हैं कि हम धोखा खा गए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले नहीं सोचते क्या इस संसार में है कोई ऐसा जो तुम्हें अपना सामान फ्री में दे देगा, उसका तो स्टोर खाली हो जाएगा। और आखिरी जो कमजोरी वो है डंडे का डर। इतना डंडा चलाया है, इतना डंडा चलाया है कि आप डंडे की भाषा मानते हैं, डंडे की भाषा जानते हैं, प्यार की भाषा नहीं समझते। डंडा पड़े तो सब कुछ करा लो, और प्यार करे अरे गर्मी पड़ रही आज नहीं कल, आज सर्दी हो रही कल, आज बारिश हो रही कल, ये कल कभी नहीं आती। जो भी करना है आज करना है, अब करना है। जो डर गया वो मर गया, और मरना निश्चित है, आज नहीं तो कल। जो जन्म लेते ही मर जाते हैं उनका क्या करोगे? जो पढ़ लिख करके MBA पास करके डिग्री लेकर के इंजीनियर की नदी पे नहाने जाते हैं, समुद्र पे नहाने जाते हैं, रोज दो चार मर जाते हैं, उनका क्या करोगे? बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनका क्या करोगे? बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है, उनका क्या करोगे? बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनका क्या करोगे? अरे जब मरना निश्चित है तो फिर मरने से डरना क्या? बाबा साहब ने कहा था, 1000 साल गुलामी का जीवन जीने की बजाय 2 पल मान सम्मान का जीवन कहीं ज्यादा अच्छा होता है। कितने दिन जिए ये हमें नहीं पता, लेकिन जितने दिन जिएंगे मान सम्मान और इज्जत के साथ ही जिएंगे, गुलामी का जीवन नहीं जिएंगे। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कमजोरी है, इन्हें दूर करो, इन्हें दूर करो और ताकतवर बनो। अब ताकत है कहां? ताकत खेत में नहीं है, ताकत मंदिर में नहीं है, ताकत घर में नहीं है, ताकत पत्थर के देवी देवता में नहीं है। आपको कैसा जी बात हूं? फिर ताकत कहां है? ताकत है राजनीति में, राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं। जो राजनीति करता है वो नेता कहलाता है, और नेता ही आज इस देश का राजा बनता है, और राजा पर कभी जुल्म नहीं होता, हमेशा उसके आदेश का पालन होता है। आपको राजा बनना पड़ेगा, एक एक आदमी को, एक एक महिला को राजा बनना पड़ेगा। आप कहोगे साहब कैसी बात कर रहे हो, हम कैसे राजा बन सकते हैं? राजा तो राजा का बेटा ही बन सकता है। ये बात आपकी 70 साल पहले सही थी, आज सही नहीं है। 70 साल पहले तो इस देश में राजा वही बनता था जो रानी के पेट से जन्म लेता था। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वंश दर वंश, चाहे अंधा हो धृतराष्ट्र की तरह, लंगड़ा हो पृथ्वीराज की तरह, नाबालिग हो उदय सिंह की तरह, पर राजमंत्र तो उसी के सिर पर रखा जाता था कि यही राजा बनेगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाकर रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। बाबा साहब ने कहा अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा बैलेट बॉक्स के पेट से पैदा होगा। जिस दिन
राजा पैदा होता है, और राजा एक नहीं, पहले तो एक ही पैदा होता था, आज लाखों करोड़ों लोग राजा बनते हैं देश के अंदर, हर गांव में राजा, हर मोहल्ले में राजा, हर नगर में राजा, हर वार्ड में राजा, हर ब्लॉक में राजा, हर जिले में राजा, हर प्रदेश में राजा, चारों तरफ राजा ही राजा हैं। कौन है? गांव का प्रधान गांव का राजा, ब्लॉक का प्रमुख ब्लॉक का राजा, जिले का पंचायत का अध्यक्ष जिले का राजा, नगर का मेयर नगर का राजा, वार्ड का पार्षद वार्ड का राजा, ये सब राजा हैं। कोई छोटा है कोई बड़ा है, तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जो मनुवादी मंदिर में बैठे हैं वो तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं। क्या कहते हैं? भैया राजनीति से दूर रहना, भगवान को याद करना, भगवान तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। और मैं कहता हूं गारंटी से, मंदिर में भगवान नहीं बैठे, मंदिर में तो लुटेरे बैठे, लुटेरे भगवान तुम्हारे घर में बैठा है, ढूंढो मिल जाएगा। भग धनवान, भग माने माता, वान माने पिता, माता पिता ही हमारे तुम्हारे भगवान है, इसके अलावा दुनिया में और कोई भगवान नहीं। कौन करते हैं भगवान की बात? ये साधु संन्यासी पीले वस्त्रधारी, और ये मंदिर छोड़ गए, ये लोग सब विधानसभा में मस्ती काट रहे। कौन? तुमने टीवी पे फोटो देखे होंगे, नाम मैं बताऊं, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी सुरेशानंद, स्वामी सतपाल महाराज, स्वामी हरिशाक्षी महाराज, स्वामी आदित्यनाथ महाराज, सातवीं उमा भारती, सातवीं तुम्हरा, सातवीं वसुंधरा, स्वामी ओमेश, स्वामी अग्निवेश, मैं चांदना, प्रसन्न पात्र, कितने नाम के नाम, निरंजना देवी, ये सारे के सारे पीले वस्त्र पहन के साधु संन्यासी के भेष में मंदिर छोड़ के एमएलए एमपी मिनिस्टर बन गए। ये तो लोकसभा विधानसभा में मस्ती काट ले, और तुमसे क्या कहते हैं? तुम मंदिर में बैठ के घंटी बजाओ, बजाते रहे घंटी हजारों साल हो गए बजाते बजाते, अभी तक तो भगवान ने तुम्हारी सुनी। अरे इन मंदिरों की घंटी बजाना बंद करो, लोकसभा विधानसभा क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत ग्राम पंचायत नगर पंचायत इन पर कब्जा करके इनकी घंटी बजाना शुरू कर दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं होने वाला। आप लोगों को इस राजनीति को समझना पड़ेगा, करने से पहले सीखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भला होगा, वरना भला होने वाला नहीं है। तुम थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज हो जाते हो, वे सौ झूठ बोलते हैं तो भी तुम उनसे नाराज नहीं होते, और तुम्हारे भाई सच बोलते हैं तो उनसे बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो, बहुत जल्दी। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जागो जागो जागो। मैं तो जगाने का काम करता हूं, मानो तुम्हारी मर्जी ना मानो तुम्हारी मर्जी। 40 साल हो गए, पूछो शशि भूषण से, गायक कलाकार से, इनके पिताजी और हम मंगललाल गौतम, हम पैदल पैदल साइकिल से एक एक गांव में जाकर के लोगों को जगा देते। जब कोई सुनने को तैयार नहीं था, लोग कहते थे पागल हो गया है, हमने कह दिया पागल हो गए हम तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी समझ में आ गया है इसलिए पागल हुए हैं, और हमें इस मिशन को लेकर के चलना है। लेकिन धन्यवाद देता हूं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, कि जब 3 जून 1995 को वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने मुझे भी SC ST कमीशन का मेंबर बनाकर मुझे मंत्री का दर्जा दे दिया। और जैसे मैं मंत्री बना, तो जो लोग मुझे पागल कहते थे वे ही लोग आकर के चारों तरफ जय जयकार हो रही। पिताजी भी नाराज चल रहे थे मेरे से, घर का सत्यानाश कर दिया, कमाने का ना धमाने का, रोज चल देता है साइकिल उठा के नहीं। लेकिन जब गांव के लिए चला तो 150-200 कारें, आगे पीछे पुलिस फोर्स, सारे अधिकारी SP DM CDO BDO, और जब गांव में मेरे गले में माला पड़ने थी तो पिताजी भी पीछे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने उस दिन एहसास कराया पिताजी को कि पिताजी तुम्हारे राम भगवान में ज्यादा ताकत है, ये मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर।
डीएम और एसएसपी, एक तरफ एसपी एक तरफ डीएम, देखते सब और जीपी शर्मा। मैंने कहा भाई जरा खड़े हो तुम, ये माला हाथ में लो और पिताजी के गले में डाल के इनका स्वागत करो। ऐसे खड़े हुए जैसे बिजली ने कंठ मार दिया। डंडे का डर होता है, राजनीति में ताकत है। जब तक तुम इस राजनीतिक ताकत का डंडे को अपने हाथ में नहीं लोगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए अगर अपनी सुनाना चाहते हो तो इस राजनीति को समझने का प्रयास करो, यही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माननीय कांशीराम साहब ने बड़े सोच समझ करके बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। क्यों बनाई मालूम है? जिस दिन बहुजन समाज पार्टी बनी थी 14 अप्रैल 1984 को, उस दिन इस देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियां थी जिनको राष्ट्रीय स्तर की मान्यता थी। कौन कौन सी थी? नंबर 1 कांग्रेस आई, नंबर 2 कांग्रेस एस, नंबर 3 जनता पार्टी, नंबर 4 भारतीय जनता पार्टी, नंबर 5 लोकदल, नंबर 6 कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर 7 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इन 7 पार्टियों के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस आई के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ब्राह्मण, कांग्रेस एस के अध्यक्ष के पी उन्नीकृष्णन ब्राह्मण, जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ब्राह्मण, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एल के अडवाणी ब्राह्मण, लोकदल के अध्यक्ष एच एन बहुगुणा ब्राह्मण, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ई एम एस रमंगपाल ब्राह्मण। भैया इन्हें तो सुन लेने दो भाई, भैया सामने जो खड़े हैं तो सुन लेने तुम, बताओ मैं क्या बोल रहा हूं। ये बुरी बात है, वो सुनना चाहते तुम सुन लेने दो। पढ़ना भाई तुम पीछे जाओ, प्रिंस पीछे इधर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एल के अडवाणी ब्राह्मण, लोकदल के अध्यक्ष एच एन बहुगुणा ब्राह्मण, कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ई एम एस नमूदीपाल ब्राह्मण, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ज्योति बसु ब्राह्मण। कहने का मतलब हर पार्टी के अध्यक्ष ब्राह्मण। क्यों, किसको वोट दोगे? जिसको भी दोगे सीएम और पीएम तो पंडित जी बनेंगे, दूसरा कोई बनेगा। और उस समय तक 60% एमएलए 60% एमपी, 3.5% लोगों के 60% एमएलए एमपी और मिनिस्टर होते। देश का राष्ट्रपति ब्राह्मण, देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण, चुनाव आयोग का अध्यक्ष ब्राह्मण, आपका फौज का जनरल ब्राह्मण, आपका जो है उसका यूपीएससी का चेयरमैन ब्राह्मण, यानी सारी पोस्टों पर ब्राह्मण। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो उदाहरण से समझो, खुल के समझा रहा हूं, लेकिन इसे ब्राह्मण समझ जाए तुम्हारी समझ में फिर भी नहीं आएगा। एक गांव में कुश्तियों का दंगल हो रहा था, वहां की मैनेजमेंट कमेटी ने घोषणा की जो पहलवान कुश्ती जीतेगा उसे हमें एक बकरा इनाम में देंगे, और बकरा खड़े के पास बांध कर खड़ा कर दिया। दो पहलवान कुश्ती के लिए मैदान में आते हैं, पहला पहलवान मिट्टी छुप कर कहता है यदि मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा पहलवान आता है, वो भी मिट्टी छुपकर ये कहता है अगर मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। बकरा दोनों पहलवानों की बात सुन रहा था, बकरे ने सोचा चाहे तो ये पहलवान जीते और चाहे ये पहलवान जीते, तेरी तो शाम को बलि चढ़नी ही चढ़नी है। अब तुम्हारे वोट से चाहे कांग्रेस जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, तुम्हारी बलि तो चढ़ती रही है। अगर समझ में नहीं आए तो ये चढ़ती रहेगी। अगर इस बलि को बचाना चाहते हो तो आप लोगों को इस बहुजन समाज पार्टी को समझना पड़ेगा, और अकेले तुम्हारे समझने से काम नहीं चलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर मेरी एक भी बात झूठ है तो कोई हाथ मत उठाना, और सारी की सारी सच्ची है तो हाथ उठा के बताओ कि हमारी समझ में आई है। आई है से काम नहीं चलेगा, आपको आज से यहां से प्रतिज्ञा करके उठना पड़ेगा कि मैं अपने घर जाकर के पहले अपने बच्चों को, पत्नी को, मां बाप को, भाइयों को इस बीएसपी के बारे
बारे में बताऊंगा, उसके बाद सुबह को पड़ोसी को बताऊंगा, उसके बाद शाम को दूसरी जातियों में जाकर के इस बात को बताऊंगा कि समाज पार्टी हम सब की सुरक्षा कर सकती है, हम सबको सम्मान दिला सकती है, तो तुम्हारा यह मिशन कामयाब होगा। और यदि सुनकर के यही जाकर के घर लेट गए तो फिर ये मिशन कामयाब नहीं होगा। जिन्होंने बीएसपी को हराने का काम किया है, अब उनकी समझ में आ गई तो उन्होंने उतनी ही दूनी मेहनत से फिर बीएसपी को जिताने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा उद्धार होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए जो भी बने हैं समझ लो, मैं टाइम देकर के जा रहा हूं, अगले महीने की 10 तारीख को मुझे चाहिए, काम चाहिए, क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे, घर घर में नहीं जाओगे, बीएलए फर्स्ट नहीं बनाओगे, बीएलए टू नहीं बनाओगे, लोगों को बीएसपी के बारे में नहीं बताओगे, संगठन नहीं बनाओगे, और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए अगर आप धन संग्रह नहीं करोगे तो फिर आपका ये मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सोच लो, समझ लो, जिनको भी पद बांटे गए हैं, जितने भी नाम चाहे आज बुले हैं चाहे कल बुले हैं, अगली 10 तारीख को मुझे संगठन भी चाहिए और मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए और मुझे कार्यकर्ताओं की फौज भी चाहिए और उनका कैडर भी चाहिए, ताकि हम जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि आपने पहले यहां से बात सचिताया जो भी जीती थी, एक लड़की क्या नाम था, धन सबको जो पद दिया गया है वो काम करने के लिए दिया गया है, ये वार्निंग है, चेतावनी है, और आपको याद करा रहा हूं, फिर मत कहना कि हमें और समय दे दो। 10 अगस्त को दोबारा समय मिलने वाला नहीं है, जो काम दिया है वो काम आना चाहिए, ताकि हम लोकसभा के चुनाव में जीत सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा बहुत टाइम हो गया है, 1 घंटा हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। खुदा हाफिज़।